बहुत समय पहले की बात है, नामपुर नामक एक गांव था। वो 2 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे भगवान कमला, अब तुम्हारा पति भी? पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस गांव को। एक एक करके रोज कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है। उस गांव के आदमी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो रहा है। उस शाम एक आदमी अपने खेत से काम खत्म करके लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक सुंदर स्त्री घुंघरू पहने नृत्य करते दिखाई देती है। अरे, आपको तो यहाँ पहली बार देखा है। स्त्री पलटती है। वो नर्तकी दरअसल एक भयानक चुड़ैल रहती है। वो नाचना जारी रखती है और नाचते हुए आगे बढ़ने लगती है। ता धी ना ता ना धी ना ता धी ना ता ना धी ना। मेरा नृत्य पसंद आया तुम्हें? और देखोगे? ता धी 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 ना ना ता धी धी ना ता धी 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 ना। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सुंदर नृत्य दिखाऊंगी मेरी गुफा में चलकर। आदमी उसके वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चलते चलते वो एक गुफा में जाती है। आदमी भी गुफा के अंदर जाता है और चुड़ैल उसे कैद कर लेती है। इधर गांव की एक महिला खिड़की से ये सारी घटना देख रही होती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? और वो जाकर गांव वालों को इसके बारे में बताती है। गांव वाले ये सुनकर डर जाते हैं। अच्छा, तो इस कारण से गांव से लोग गायब हो रहे हैं? इसका मतलब सारा किया धरा उस चुड़ैल का है। हम सबको सावधान रहना होगा। एक गांववासी के घर पर वो कहीं निकलने की तैयारी में होता है। उसकी पत्नी उसे तैयार होते देखकर कहती है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उस चुड़ैल ने आतंक मचाया हुआ है, आपने सुना नहीं है क्या? आदमियों को सूरज ढलने के बाद शिकार बनाती है वो अपना। आप बाहर नहीं जा सकते। अरे, मैं क्या डर कर घर पर बैठा रहूं? तुम खामखा चिंता कर रही हो, हटो, जाने दो मुझे। पति के निकलकर कुछ दूर जाते ही उसे चुड़ैल दिखाई देती है। वो उल्टी तरफ भागने की कोशिश करता है। अरे, भागता कहाँ है? तुझे तो मैं अपने साथ अपनी गुफा में लेकर जाऊंगी। चुड़ैल उसके सामने अचानक आती है और नाचने लगती है। और आदमी उसके वश में होकर उसके पीछे पीछे चल देता है। उसकी पत्नी दूर से देखती है और पीछे दौड़ती है। अरे बचाओ मेरे पति को कोई, अरे कोई है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर तब तक वो चुड़ैल आदमी को लेकर कहाँ चली जाती है कोई नहीं देख पाता। अरे बहन, कहाँ है चुड़ैल? किस तरफ गई? अभी तो दिखाई दे रही थी, जंगल की तरफ गई वो मेरे पति को लेकर। गांव वाले ढूंढते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। उस चुड़ैल को हमें खत्म करना होगा किसी भी तरह से। मेरे पास एक उपाय है, इसके लिए हमें एक आदमी की मदद की जरूरत पड़ेगी। औरत सारी तरकीब समझाती है। उस रात योजना के अनुसार वो औरत कुएं के पीछे छिपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करती है। और एक आदमी कुएं के पास जानबूझकर गाने गुनगुनाते हुए टहलता है। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। पास में ही कहीं से चुड़ैल को आदमी के गाने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, मिल गया अगला शिकार। मैं जाकर देखूं तो कौन है जो अपनी आफत को खुद गुनगुना कर पुकार रहा है। चुड़ैल उसके सामने आकर नाचने लगती है। और तभी कुएं के पीछे छिपी औरत भुतहा आवाज में हंसती है। अरे कौन है वहाँ? कोई और चुड़ैल है क्या कुएं में? चुड़ैल जाकर कुएं में झांकती है। इतने में पास के पेड़ के पीछे छिपी औरत उसे कुएं में धक्का देती है।
हमने कर दिखाया, हमने उसे आखिर मार ही डाला। हाँ, पर हमारे पति किधर हैं? इतने में कुछ दूर से आवाज आती है। आखिरकार उस चुड़ैल के चुंगल से हम आजाद हो ही गए। उस घटना के कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन पूनम नाम की एक लड़की उस कुएं से पानी निकाल रही होती है, तभी उसे बाल्टी में कुछ दिखता है। अरे, ये बाल्टी में क्या है? ये तो कोई पोटली लगती है। ये यहाँ कैसे आई? वो पोटली को थोड़ा सा खोल कर झांकती है, उसमें कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो उसे पूरा खोलती है, उसमें से सुंदर से घुंघरू निकलते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घुंघरू हैं! पता नहीं इन्हें कुएं में किसने फेंका। मैं घर जाकर इसे पहन कर देखती हूँ। पूनम झटपट अपने कमरे में जाती है और उन घुंघरुओं को पहन कर देखती है। ये घुंघरू तो मेरे पाँव में कितने जंच रहे हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, पूनम की माँ की नींद अचानक किसी आवाज से खुलती है। अरे, ये इतनी रात में घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? न जाने इतनी रात में भला नृत्य कौन कर रहा है। ठहरो, ये आवाज तो हमारे ही आंगन से आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ। पूनम की माँ घर के आंगन में जाती हैं। वो जो देखती हैं उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। पूनम! पूनम आंगन में घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही होती है। उसके अंदर वो नर्तकी चुड़ैल वास कर चुकी होती है। उसके बाल बिखरे हुए और पैर उल्टे रहते हैं। जैसे ही पूनम की माँ उसे आवाज लगाती है, वो गायब हो जाती है। अजी, सुनते हैं, जल्दी यहाँ आइए, देखिए तो पूनम। उसके पापा आवाज सुनकर जल्दी से आंगन में आते हैं और घबरा कर पूछते हैं, अरे क्या हुआ? पूनम अभी वहाँ पर थी। वहाँ तो कोई नहीं है। पूनम वहाँ इतनी रात गए क्यों जाएगी? वो अपने कमरे में होगी, मैं जाकर देखता हूँ। उसके पापा पूनम के कमरे में जाकर देखते हैं, पूनम वहाँ नहीं होती और वो भी डर जाते हैं। पता नहीं कहाँ गई वो, चलिए हम उसे ढूंढते हैं। उसके मम्मी पापा उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह को पूनम की माँ देखती है कि पूनम अपने कमरे में सो रही है। उसकी माँ उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इधर सुबह गांव में खबर आती है कि गांव के कुछ आदमी लापता हैं। अरे, कल रात को जो भी आदमी बाहर निकला वो घर नहीं लौटा है। वो चुड़ैल पूनम के जरिए रोज रात यही कोहराम मचाती और सुबह होने से पहले अपने बिस्तर पर सोई हुई मिलती। एक दिन पूनम की माँ तक भी ये खबर पहुँचती है। वो सोचती है, उस दिन जो मैंने देखा, क्या इसका उस घटना से कोई संबंध हो सकता है? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। पूनम की माँ जाकर गांव वालों से रात की पूरी घटना के बारे में बताती है। इसका मतलब वो फिर से लौट आई है, नाचने वाली चुड़ैल। अम्मा सबको नाचने वाली चुड़ैल के बारे में बताती है। हे भगवान, मेरी बेटी पर उस चुड़ैल का साया है, मैं क्या करूं अम्मा, कैसे बचाऊं उसे? जब तक वो घुंघरू नष्ट नहीं होते, चुड़ैल खत्म नहीं होगी। कैसे भी करके तुम्हें उन घुंघरुओं को जलाकर भस्म करना होगा। पूनम की मम्मी घर जाकर उसके पापा को सारी बात बताती है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम पूनम को उस आत्मा के चुंगल से आजाद करा सकते हैं, पर हमें आज रात ही वो करना होगा। वो तरकीब क्या है जी? पूनम के पापा उसकी मम्मी को सारी तरकीब समझाते हैं और वो लोग उसे अंजाम देने की तैयारी में जुट जाते हैं। रात को जैसे ही पूनम की नींद लगती है, उसके मम्मी पापा धीरे से उसके कमरे के बाहर जाकर खड़े होते हैं। पूनम के पापा के हाथ में एक जलती हुई मशाल रहती है। तुम अंदर जाकर घुंघरू ले आओ, मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। पूनम की माँ अंदर जाकर उसके पास रखे घुंघरू को जैसे ही उठाती है, पूनम उठकर बैठ जाती है। आपने मेरे घुंघरुओं को हाथ लगाया, इसी वक्त वापस कीजिए। मैं कहती हूँ वापस कीजिए इसी वक्त, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको उठाने की? इतने में पूनम की माँ घुंघरुओं को कमरे के बाहर फेंकती है। पूनम के पापा जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं। नहीं, मेरे घुंघरू वापस दो। इतने में पूनम के पापा घुंघरुओं को मशाल से आग लगा देते हैं। पूनम दरवाजा पटकते हुए घुंघरू के जलते ही बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। उसे कुछ देर में होश आता है। अरे मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पूनम, तुम ठीक हो गई,